18 ग्रुप्स यानी कि 18 समूह देखने को मिलते हैं और सात पीरियड्स मिलते हैं यानी कि सात आवर्त मिलते हैं ठीक है अच्छा इसमें इन सब चीजों के अलावा यानी कि 18 ग्रुप्स और सात पीरियड्स के अलावा यहां पे आपको चार ब्लॉक्स भी मिलते हैं तो वो चार ब्लॉक्स कौन से हैं पहले होते हैं आपके एस ब्लॉक दूसरा होता है फिर आपका डी ब्लॉक तीसरा होता है आपका पी ब्लॉक और फिर उसके बाद नीचे यहां पे आउटसाइड द पीरियोडिक टेबल आपने रखा होता है एफ ब्लॉक ठीक है आज जो हम लोग फोकस करेंगे वो हम पी ब्लॉक वो एस ब्लॉक एलिमेंट्स के ऊपर फोकस करेंगे उनको याद करेंगे ट्रिक्स देखेंगे कैसे हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स को याद रख सकते हैं सबसे पहली चीज जब हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करते हैं तो वो जो एलिमेंट्स है वो आपके ग्रुप नंबर वन और टू ग्रुप नंबर वन और ग्रुप नंबर टू के एलिमेंट्स होते है। के हैं ग्रुप नंबर के और स्टार्ट होते हैं है है। अब हम इनको याद करने का तरीका देखेंगे लेकिन उससे पहले हमने इनको एस ब्लॉक एलिमेंट में क्यों बोला एस ब्लॉक एलिमेंट क्यों बोला तो हम क्या देखते हैं ये जो आपके एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं ये आपके जो इनमें जो आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम देखते हैं यानी कि विद्युत संयोजकता जो हम देखते हैं सॉरी इलेक्ट्रॉन विन्यास जब हम देखते हैं तो उसमें हम क्या देखते हैं कि इनमें जो इलेक्ट्रॉन है ना जो आ, सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे सब शेल में पाया जाता है एस सब शेल में पाया जाता है यानी कि एस उपकक्ष में सबसे बाह्य इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं इसलिए हम इनको एस ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं एस ब्लॉक के तत्व बोलते हैं ठीक है तो यहाँ पे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इन एस शेल यानी कि एस उपकक्ष में बाह्य कक्ष इलेक्ट्रॉन मिलता है बाह्य कक्ष इलेक्ट्रॉन हमें मिलता है इसलिए हम इनको एस ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं अब बात आती है कि ये जो ब्लॉक एलिमेंट है इसमें दो ग्रुप्स हैं, तो हम इनको कैसे याद रखेंगे बच्चे हम इनको ग्रुप के रूप में ही याद रखेंगे कैसे याद रखेंगे हम इनको ग्रुप के रूप में याद रखते हैं तो अगर मैं ग्रुप नंबर वन की बात करती हूं तो ग्रुप नंबर वन में आ जाता है आपका हेलिना की रब से फरियाद हेलिना की रब से फरियाद ठीक है पहला हो जाता है ये ग्रुप वन और अगर मैं ग्रुप टू की बात करती हूं तो वो आ जाता है बेटा मांगे का स्कूटर बाप राजी ठीक है तो ये आपके दो एलिमेंट्स के मतलब दो ग्रुप्स के क्या हो जाते हैं कोड्स हो जाते हैं याद करने का तरीका हेलीना की रब से फरियाद है ली ना की रब से फरियाद, ठीक है? ये इसको याद करने का तरीका है इसमें है क्या है ये आपका हाइड्रोजन है ली क्या है लिथियम है ना क्या है सोडियम है की क्या, क्या है पोटेशियम है फिर उसके बाद रुबीडियम सीजियम फ्रांसियम ठीक है ये हमें मिल जाता है ग्रुप वन एलिमेंट्स में फिर उसके बाद यहाँ पे ग्रुप वन एलिमेंट्स में आप ध्यान रखिएगा इसमें जो एटमिक नंबर है जब आपको उसको ध्यान देना है हाइड्रोजन का नंबर होता होता है ये होता है ये पहले आवर्त का यानी कि फर्स्ट पीरियड का फर्स्ट पीरियड में हमेशा दो एलिमेंट्स होते हैं इसलिए हम यहाँ पे प्लस टू कर देते हैं वन में आपने दो प्लस किया तो आपको तीन मिल गया लिथियम सेकेंड पीरियड का एलिमेंट होता है आपको अगर इन चैप्टर्स को डिटेल में पढ़ना है या कैसे हमारी ये क्लासेस चल रही हैं इसके बारे में आपको जानना है तो मैं आपको एक बात बता देती हूँ सुबह ग्यारह बजे एस एस सी एग्जाम्स बाय एग्जाम्पल चैनल पे यूट्यूब चैनल पे आपकी क्लास होती है पूर्णिमा गौर के द्वारा यानी कि मैं आपकी क्लास लेती हूं ठीक है तो आप इस क्लास को ले सकते हैं और इवन जो केमिस्ट्री की क्लासेस हैं वो भी एसएससी के बैच में चल भी रही हैं आप अगर चाहें तो वहां पे आके अपने इन सभी व्यथाओं को दूर कर सकते हैं कैसे हम यहाँ पे वन के अंदर हमने टू ही ऐड किया थ्री के बाद हम ली थी हमने आठ ऐड करेंगे ठीक है ये कैसे ऐड करेंगे आपको सारी बातें वहां पे आप डेप्थ में जान सकते हो सोडियम जो है वो भी थर्ड पीरियड का एलिमेंट होता है थर्ड पीरियड में आठ एलिमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं तो इसलिए हम यहाँ पे फिर से आठ ऐड करेंगे और हमें पोटेशियम का एटमिक नंबर यानी कि परमाणु संख्या उन्नीस मिल जाती है फिर हम पोटेशियम को देखते हैं ये आपके फोर्थ पीरियड का है चौथे आवर्त का है और चौथे आवर्त में अठारह तत्व होते हैं तो अट्ठारह में उन्नीस जोड़ा उन्नीस में अठारह जोड़ा आपको मिल गया सैंतीस रूबेडियम जो होता है वहां पे भी आपको अट्ठारह ऐड करना पड़ेगा क्यों क्योंकि रूबीडियम जो है वो भी पांचवे पांचवे में अठारह एलिमेंट्स आपने इसको ऐड किया कितना मिल जाएगा पचपन मिल जाता है सीजियम सीजियम आपका छठे पीरियड का होता है वहां पे तक बत्तीस तत्व हमें मिलते हैं तो हमने इसको ऐड किया मिल गया सतासी तो यानी कि हीलियम हाइड्रोजन वन लिथियम थ्री सोडियम एलेवन पोटेशियम नाइनटीन रूबीडियम थर्टी सेवन सीजियम फिफ्टी फाइव और francium एटी सेवन हो जाता है ये इनके एटमिक नंबर्स हो जाते हैं इधर अगर मैं ग्रुप टू की बात करूं तो ग्रुप टू में होता है बेटा मांगे कार स्कूटर बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी बाप राजी अगर मैं इनकी बात करूं बेटा मांगे का स्कूटर बाप राजी ने तो यहां पे बेरीलियम बेरीलियम फिर उसके बाद ये मैग्नीशियम फिर उसके बाद आपका आ जाता है कैल्शियम स्टॉन्शियम बेरियम रेडियम ठीक है तो ये आपके छह एलिमेंट्स यहां पे आपको मिल जाते हैं बेरिलियम का एटमिक नंबर ये देखो ये आपका सेकेंड पीरियड में होता है दूसरे आवर्त में पाया जाता है तो लिथियम में लिथियम के जस्ट बाद आपका बेरिलियम होता है एटमिक नंबर होता है इसका चार सेकेंड पीरियड में आठ एलिमेंट्स हैं जैसे आपने लिथियम में आठ जोड़ा था ऐसे ही आप इसमें आठ जोड़ोगे आपको क्या मिल जाएगा आपको यहां पे मिल जाता है आठ चार बारह फिर आप मैग्नीशियम वाली लाइन में आठ जोड़ते हो आपको क्या मिल जाएगा बारह और आठ बीस हो जाएगा कैल्शियम वाली लाइन में यानी कि आपका ये कौन सा आवर्त हो जाती है वन टू थ्री फोर चौथे आवर्त में चौथे आवर्त में आपको अठारह एलिमेंट्स मिलते हैं तो आप यहाँ पे अठारह जोड़ देते हैं कितना मिल जाएगा अड़तीस मिल जाएगा स्ट्रॉनशियम का नंबर स्ट्रॉनशियम जो होता है अगर मैं इससे आगे चलू तो हमें क्या मिलेगा कि इसके अंदर अः क्या बोलते हैं 18 एलिमेंट्स आप ऐड करोगे तो आपने अगर यहाँ पे 18 ऐड किया कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा 56 फिर उसके बाद ये छठे पीरियड की बात आ जाती है तो छठे पीरियड में 32 एलिमेंट्स मिलते हैं तो कितना हो गया छप्पन चा, और 32 कितना हो जाता है 88 हो जाता है ठीक है कितना हो जाता है 88 हो जाता है सोनछ में से शो किया जाता है ठीक है तो आप लोगों को इस प्रकार से दो एलि दो ग्रुप्स को याद करने की ट्रिक मिल गई है अगली बार हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट्स को याद करने की ट्रिक देखेंगे ठीक है आई जस्ट होप सो आपको ये बात समझ में आई होगी कोई भी डाउट हो कोई भी चीज हो तो आप इसके नीचे भी मेंशन कर सकते हैं और उसके जो आंसर्स आपको मिलेंगे वो तो आपको सुबह ग्यारह बजे एस एस एग्जाम्स बाई एग्जाम्पल चैनल पे जो पूर्णिमा गौर की क्लास होती है यानी कि मेरी क्लास होती है वहां पर आपको मिल जाएगा चलिए तो आज के सेशन को हम यही विराम देते हैं मिलेंगे कभी किसी और दिन और अगर आप चाहें तो सुबह ग्यारह बजे हमारी क्लास में आ सकते हैं ज पूर्णिमा गौर साइनिंग ऑफ टेक केयर जय हिंद जय भारत